के प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह रुपिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क पुणे। मुंबई में 25 नवंबर को अंधेरी वेस्ट स्थित मुक्ति फाउंडेशन ऑडिटोरियम में विंद गौरव अवार्ड सीजन 3 का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के प्रतिभावान व्यक्तियों को विंद गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड सहित भोजपुरी की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। आयोजन समिति द्वारा विंद की महान हस्तियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में विंद रत्न अवार्ड से विंद के सपूत गोवा स्वतंत्र संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री को विंद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर यमुना प्रसाद शास्त्री पर आधारित सत्यार्थी फिल्म कृत लघु फिल्म की प्रस्तुति भी की गई। उसके बाद यमुना प्रसाद शास्त्री के पोते एडवोकेट अनंत श्यानम शास्त्री और उनकी नातिन ऋचा शुक्ला को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आइए आपको दिखाते हैं आयोजन में किस तरीके का सम्मान इनको दिया गया। साथ ही ये विंध के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा सम्मान था यमुना प्रसाद शास्त्री को याद करना। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आइए आपको दिखाते हैं यमुना प्रसाद शास्त्री पर आधारित एक लघु फिल्म। इस फिल्म को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा यमुना प्रसाद शास्त्री का जीवन किस तरीके से संघर्षों के साथ जनता की सेवा करते बीता। यमुना प्रसाद शास्त्री ईमानदारी, त्याग और सर्वहारा समाज के लिए समर्पित संघर्ष का वो हिमालय जिसे कोई भी राजनीतिक झंझावात नहीं हिला सका। लोहियावादी राजनीति का वो सितारा जिसने अपने जीवन की पहली 3 दिवसीय भूख हड़ताल अच्छी शिक्षा के लिए 12 वर्ष की उम्र में अपने ही पिता के विरुद्ध की। अन्याय के विरुद्ध शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए संघर्ष और त्याग का वो ज्वलंत दस्तावेज जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना, वो विराट व्यक्तित्व का स्वामी यमुना प्रसाद शास्त्री जिंदगी भर जो सत्ता की नहीं जनता की राजनीति करते रहे। अमूल्य रत्न है विंध्य का जो लोकतंत्र के मुकुट पर जगमगा रहा है। अपने पहले अनशन के बाद पढ़ाई के लिए रीवा आने वाले 12 वर्षीय बालक यमुना प्रसाद को प्राचार्य मिले विंध्य के ख्यातिलब्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सूर्य बली से, और शोषण के विरुद्ध हुंकार भरने वाले बालक यमुना प्रसाद शास्त्री को राह मिल गयी। कुंवर सूर्यबली सिंह के सानिध्य में बचपन जो आंदोलन की तरफ मुड़ा तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1954 में गरीब किसानों पर अत्याचार करते हुए सरकार द्वारा एक तिहाई लगान बढ़ाने पर राष्ट्रपति के खिलाफ राजघाट जाकर अनशन पर बैठने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यमुना प्रसाद शास्त्री ने वो किया जो आजाद भारत में इससे पहले नहीं हुआ था। अंततः भारत के राष्ट्रपति को स्वयं आना पड़ा और लगान वृद्धि में हस्ताक्षर न करने का वचन देना पड़ा। 1955 में जब पुर्तगालियों के शासन से गोवा को आजादी नहीं मिली थी, समूचे भारत से लड़ाकू नौजवान गोवा पहुंचने वाले थे। 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन रीवा से 18 नौजवानों का जत्था शास्त्री जी के नेतृत्व में गोवा की ओर चल पड़ा। 15 अगस्त को सासौली से गोवा की सरजमी पर प्रवेश करने वाले आजादी के मतवाले जानते थे कि गोवा के अंदर घुसते ही गोली मार देने का आदेश है, मगर जान की परवाह न करते हुए शास्त्री जी ने स्कूल में तिरंगा फहरा दिया। गोली चली और कई लोग घायल होते हुए नदी में कूद पड़े। शास्त्री जी तैरना नहीं जानते थे। पुर्तगालियों ने उन्हें बंदूकों के बट से मारा और मरा हुआ समझ के छोड़कर चले गए। इस आंदोलन ने शास्त्री जी की आंखों का बलिदान ले लिया, मगर शास्त्री जी कहां मानने वाले थे। उन्होंने अपने जागृत अंतर्दृष्टि को माध्यम बनाया और समाज सेवा में प्राण प्रण से जुट गए।
रीवा रियासत के राजा को हरा के लोकसभा में पहुंचने वाले यमुना प्रसाद शास्त्री ने पूर्वी विंध्य को अपने आंदोलनों और प्रयास के माध्यम से बाणसागर जैसी सौगात दी, रेल सुविधा दी, विमानन विस्तार की भूमिका दी। सैकड़ों आंदोलनों अनशनों का सूत्रपात करने वाले यमुना प्रसाद शास्त्री को वो लाखों लाख मजदूर कैसे भुला सकते हैं, जिनके अधिकारों के लिए वो पैदल चल पड़ते थे सीधे दिल्ली के लिए और सरकारें दौड़ पड़ती थीं मजदूर किसानों की बेहतरी के लिए। विंध्य के इस नायाब रत्न की रोशनी में पीढ़ियां अपना रास्ता तलाशेंगी। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।